वेलकम, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डार्क कनेक्शन। बॉलीवुड में हर साल अनगिनत फिल्में बनती हैं, लेकिन जब फैंस के लिए उनके पसंदीदा स्टार्स की फिल्म की घोषणा की जाती है तो उनके बीच एक अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। कई बड़े सेलेब्स इस समय अपनी मेगा बजट फिल्मों पर काम कर रहे हैं। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन और अजय देवगन भी शामिल हैं। अब फाइनली दोनों ने अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। अब इस फिल्म को लेकर खबर आई है, खबर ये है कि शूटिंग से जुड़ी पहली फोटो भी सामने आ गई है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसमें शूटिंग लोकेशन पर अमिताभ के साथ अजय देवगन और रकुल प्रीत भी दिखाई दिए। इस फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई सेट पर सुबह सुबह ही अमिताभ बच्चन और अजय देवगन समेत रकुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी पहुंच गए थे। सामने आई फोटो में अजय एयरफोर्स के लुक में ही नजर आ रहे हैं, जबकि अमिताभ ब्लैक सूट में नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। वहीं बिग बी के सामने अजय देवगन पायलट की यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं। अमिताभ और अजय सीढ़ियों के पास खड़े होकर आपस में बात करते नजर आए। उसमें दिख रहे ड्रेस से लगता है कि अमिताभ और अजय कोर्ट रूम सीन के लिए तैयार हैं। अमिताभ वकील की और बाकी लोग कोर्ट की सुनवाई के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अमिताभ अपने इस नए प्रोजेक्ट को लेकर कितना उत्साहित है। दोनों के आसपास बाकी के क्रू मेंबर्स भी नजर आ रहे हैं। इस फोटो के सामने आने के बाद अब फैंस के बीच फिल्मों को लेकर और भी उत्सुकता बढ़ने वाली है। बता दें कि इंडस्ट्री में इतने वर्षों के अनुभव के बावजूद इस फिल्म की शूटिंग से पहले अमिताभ को डर लग रहा था। उन्होंने एक पोस्ट पर इसकी जानकारी दी थी। बिग बी ने लिखा था, हे भगवान, किसी भी नई फिल्म की शूटिंग के शुरुआती कुछ दिन काफ़ी डरावने होते हैं। मन में हमेशा ठुकरा दिए जाने की आशंका रहती है, क्या होगा, कर पाऊंगा, लिया जाऊंगा या नहीं, बस कहीं भाग कर छुप जाने का मन करता है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।